बच्चों को प्यार से पढ़ाओ, प्यार से समझाओ, प्यार से और मोहब्बत से उसे इलम का रास्ता दिखाओ, तब वो पढ़ेगा, नफ़रत से नहीं सीखेगा। प्यार से ही बच्चा सीखता है, प्यार से ही बच्चा आगे बढ़ता है, प्यार से ही वो कामयाब होता है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे। अगर वो प्यार न करते तो सहाबा इकराम कभी भी सीख नहीं पाते। इस वजह से हमें बच्चों से प्यार करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए।